मनुष्य का जीवन साधना के बगैर निष्फल होता है, साधन के बगैर नहीं। एक होता है साधन और एक होती है साधना, केवल एक मात्रा का अंतर है। कम अधिक मात्रा में साधन सबको उपलब्ध है, लेकिन साधना बिरले बिरले लोग करते हैं। साधन के अभाव में जीवन जीने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन साधना के अभाव में तो पूरा जीवन ही बेकार चला जाता है। साधन के अभाव में केवल कठिनाइयां होती है, वो भी मन से मान लेने पर, और साधना के अभाव में कभी किसी को कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। दुनिया में साधन कम अधिक मात्रा में सबको उपलब्ध है, लेकिन शांति कितने लोगों को है। साधन बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, शांति घटती गई। साधन, दुनिया की वस्तुएं, इनको बढ़ाने की चिंता आदमी को है, और इनको बढ़ाते बढ़ाते, इनके पीछे दौड़ते दौड़ते आदमी थकता है, गिरता है और मर जाता है। जिस शांति के लिए झंखना थी मन में, वह शांत मिल नहीं पाई, और शांत जीवन में नहीं है तो आदमी के पास जानो कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा आदमी हो सर्वांग संपन्न, हर अंग सुगठित, किसी अंग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, प्रकृति ने ऐसा बनाया, और उसके बाद आदमी ने अपने आप को खूब सजा लिया, खूब श्रृंगार किया, जैसा चाहिए सुंदर कोई ऐसा शरीर हो, सुगठित हो और सुसज्जित हो, लेकिन केवल जान न हो तो किस काम का। बस हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, बाहर को चमकाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, और भीतर उतना ही खाली खोखला होता चला जा रहा है। क्या मतलब हुआ? भौतिक उन्नति करें, उसके लिए रोक नहीं है, लेकिन ऐसी भौतिक उन्नति किस काम की जिसमें हमारी शांति ही खो जाए। सारी भौतिक उन्नतियों का फल क्या है? आत्म शांति की प्राप्ति, और वही काम नहीं हुआ। और वो आत्म शांति बिना साधना के मिलेगी नहीं। कितना बाहर आप भटक लें, तीर्थों में चले जाएं, मंदिरों के दर्शन कर लें, और कहां कहां जंगलों में भटकते रहें, ना जंगल में शांति मिलेगी, ना मंदिर मस्जिद में शांति मिलेगी, ना किसी धार्मिक स्थल में शांति मिलेगी, ना तीर्थ में शांति मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी शांति। आप जहां है वहीं रह करके साधना करें, शांति आपको वहीं मिलेगी।
और साधना के लिए समय नहीं है। समय नहीं है इसलिए समय नहीं है कि उसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है। साधना भी करनी चाहिए यह हम सोच नहीं पाते हैं। जिंदगी भर आदमी दौड़ता रहता है। कितने लोग ऐसे हैं खूब काम करते रहते हैं, अच्छा है, काम करे बढ़िया है, सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं। पूछो उनसे, क्यों भाई, क्यों दौड़ते हो इतना, हाय हाय क्यों कर रहे हो, न परिवार के लिए समय न किसी के लिए समय। कितने ऐसे धनी आदमी हैं जिसके पास न पत्नी के लिए समय, न बच्चों के लिए समय, न माता पिता के लिए समय, अरे यहां तक अपने लिए समय नहीं है। तो ऐसी दौड़ किस काम के, पत्नी झंक रही है अलग, बच्चे ये चाहते हैं कि पिताजी का कुछ साथ मिले हमें, माता पिता तरसते हैं कि बच्चे बेटा बैठकर एक खुदे थोड़ी बात कर ले, किसी के पास समय नहीं है। दौड़ रहा है इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, यहां इस दुकान से उस दुकान, इस सेठ से उस सेठ पास, दौड़ते दौड़ते रात में करीब 11-12 बजे आए, किसी प्रकार जल्दी जल्दी में बिना चबाए निगल गए, सो गए, फिर सुबह से दौड़ धूप शुरू हो गई। फायदा क्या हुआ ऐसी दौड़ धूप का। तो कितने लोग दौड़ते रहते हैं, क्यों, उनसे पूछा जाता है क्यों दौड़ते हैं इतना, कहते हैं क्या करें, ये पापी पेड़ साथ में लगा हुआ है, इसके लिए दो रोटी की जुगाड़ करनी पड़ेगी। ठीक, पापी पेड़ साथ में है, रोटी चाहिए इसको भरने के लिए, लेकिन ऐसे लोग दो रोटी को भी बैठकर चैन से नहीं खा सकते। जिस रोटी के लिए दौड़ रहे, कहते हैं रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, अरे वो रोटी तो आराम से बैठ करके खाओ, आराम से रोटी बैठकर खाने के लिए भी फुर्सत नहीं है, किस काम की ऐसी दौड़। वस्तुतः ये दौड़ जो लोग इतना दौड़ते हैं, पेट के लिए नहीं दौड़ते हैं, पेटी के लिए दौड़ते हैं, और पेटी कभी भरती ही नहीं, किसी की नहीं भरी है आज तक, कभी भरेगी ही नहीं। पाप आदमी पेट के लिए नहीं करता, पेटी के लिए करता है, और पेटी अंत में यही छूटना ही छूटना है। तो साधन बढ़ाने की चिंता सबको, उसके लिए सब दौड़ रहे हैं, साधना की चिंता किसी के लिए किसी को नहीं है। और साधना के बिना ये पूरा जीवन बेकार चला जाता है, कोई मतलब ही नहीं होता है। आवश्यकता है साधना की, जो भी शांति चाहता है, इस जीवन को सुख से जीना चाहता है, उन सबको साधना की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि साधना करने के लिए आपको घर छोड़ना जरूरी है, वो तो ऐसी स्थिति आती है एक समय कि घर छूट जाता है। घर में रहें, घर में रहकर साधना करें, वहीं समय निकालें। साधना क्या है, खाली नंगा रहना, अमुक प्रकार का कपड़ा पहन लेना, या खाली 2-4-6 दिन तक भोजन न करना, एकदम मौन हो जाना, या खूब ठंडी गर्मी सहन कर लेना, ये सब साधना है? नहीं, ये सब साधना नहीं है, ये सब काया कष्ट है। और इस काया कष्ट से कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है, इसे शांति नहीं मिलेगी। हाँ, सावधानी नहीं रही तो काया कष्ट से अहंकार हो जाएगा। पढ़ते होंगे आप पुराणों में, अमुक तपस्वी इतने दिन से तपस्या कर रहा था, 100 साल से तपस्या कर रहा था, 1000 साल से तपस्या कर रहा था, यद्यपि ये अतिशयोक्ति है, 1000 साल कोई जीता नहीं तो तपस्या क्या करेगा, 100 साल के भीतर तो अधिकतम लोग मर जाते हैं, लेकिन कहानियों में लिखा जाता है, पुराणों में लिखा है, अमुक ऋषि अमुक तपस्वी 1000 साल साधना कर तपस्या कर रहा था, कहीं लिखा है कि कोई पत्ता खाकर तपस्या कर रहा था, कोई एक पैर में खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कोई और अनेक प्रकार की बातें लिखी है। लेकिन यह भी लिखा है तुरंत उसी में ही, एक आदमी जा रहा था, एक देवता जा रहा था,
उससे उस तपस्वी को थोड़ी ठोकर लग गई, उसने थोड़ा सा अपमान कर दिया, बस तपस्वी क्रोध से एकदम भभक पड़े और साप दे दिए। क्या मतलब हुआ? क्रोध को जीता नहीं, काम को जीता नहीं, यह भी आता है। अमुक ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते पांच बत्ते पैदा हो गए, बड़ी सी तपस्या है। ये भी आता है ना कि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो मेनका आई तो 100 बच्चे पैदा हो गए, ये तपस्या का फल। ये कौन सी तपस्या है? काम को जीता नहीं, क्रोध को जीता नहीं, लोभ को जीता नहीं, कैसी साधना है? तो ये काया कष्ट काम न देगा। साधना मन को संतुलित रखना सभी परिस्थितियों में, न भोग और न काया कष्ट, दोनों अतियों का त्याग, मध्यम मार्ग। एक उदाहरण से समझे हम, भोजन न करना निश्चय कर लिए कि आज भोजन नहीं करूंगा, 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, बड़ा सरल है, ठान लिए, हट कर लिए, 2 दिन 3 दिन भोजन नहीं किए, कोई कठिनाई नहीं होगी, थोड़ी सी भोजन भोजन समय परेशानी लगेगी लेकिन समय बीत जाने पर परेशानी नहीं होगी, समाधान हो जाएगा। तो भोजन न करना सरल है, खाने बैठे मनपसंद चीज आ गई, ज्यादा खा लिए, सरल है, अधिकतम लोग ज्यादा खाते ही हैं, तो अधिक खा लेना भोग है, न खाना कायाकष्ट तपस्या है। साधना क्या है? खाएं, उतना ही खाएं जितने की शरीर को आवश्यकता है, भूख से थोड़ा कम खाएं, कितनी स्वादिष्ट चीज हो, कितनी मनपसंद चीज हो, स्वाद के चक्कर में पड़ करके एक कौर भी अधिक ना खाएं, ये साधना है। और ये साधना जीवन भर चलेगी, इसमें दिखावा नहीं है, उत्कर्षता नहीं है, ऐसे ही आप हर बात में करें। हम साधना को समझें और थोड़ा गहराई में जाकर के, साधना क्या है? तो कहीं बाहर नहीं जाना है, इसी साधना शब्द का हम विश्लेषण कर लें। 3 अक्षर हैं इसमें, 2 मात्रा लगी है, स ध और न, ये 3 अक्षर हैं, स में और न में मात्रा है। हम अलग अलग कर दें इसको, शुरू के 2 अक्षर को अलग कर दें और अंतिम के 1 अक्षर को अलग कर दें, साध और ना अलग अलग कर दें। साध कहते हैं इच्छा को, कामना को, और ना कहते हैं नहीं को। किसी प्रकार की मन में कोई कामना न रह जाना, यह साधना है। मन का निष्काम हो जाना, अनासक्त हो जाना, यही साधना है। और जब तक निष्काम नहीं होंगे हम, और जब तक अनासक्त नहीं होंगे, जीवन में शांति नहीं मिल सकती। हाय हाय करते करते मर जाना होगा। काम करें, पूरा काम करें, जहां जैसी आवश्यकता है सेवा करें, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार, पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार, पत्नी को प्रेम, बच्चों के स्नेह, माता पिता को आदर सेवा, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, जो बन सके सेवा करें, काम करें, लेकिन किसी से कुछ ना चाहें, अपने कर्तव्य का पालन करें, कर्तव्य में ढिलाई ना हो, लेकिन यह न सोचे कि इनके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये मेरे लिए ऐसा करें, बस गड़बड़ी शुरू हो जाएगी वहीं पर। पत्नी के लिए जो कर्तव्य है पूरा करें, लेकिन ये आशा ना करें कि पत्नी मेरे लिए ऐसे ऐसा करे, पत्नी पति के प्रति पूरा कर्तव्य करे, लेकिन यह आशा ना करे कि पति मुझे ऐसी साड़ी ला कर देगा, ऐसा गहना देगा, मेरे लिए ये करेगा, आशा ना करें। अपना कर्तव्य पालन करो, अपनी ओर से सेवा करो, लेकिन चाहो कुछ मत, देखेंगे आपका जीवन कितना शांत रहेगा और आपके व्यवहार से, न चाहने से दूसरे आदमी का मन भी कितना प्रसन्न रहेगा। ये केवल एक उदाहरण हुआ। जो जहां है गृहस्थी में है, विरक्ति में है, तो अपने ओर से पूरे कर्तव्य का पालन, लेकिन सबसे अनासक्त, सबसे निष्काम, ये निष्कामता ही अमरता है, निष्कामता ही मुक्ति है। अलग कहीं
आपको मुक्ति मिलेगी, अमरता मिलेगी, अलग कहीं जाकर के साधना करेंगे एकदम निर्जन स्थान में, तो भ्रम है। एकांत में चले गए, अब कामनाएं वहां भी परेशान कर रही है, तृष्णा वहां भी परेशान कर रही है, संसार का खिंचाव बना हुआ है, तो मतलब क्या होता है? कहा भय भय बन को गए, मन से मिटी न राग, त्याग वासना की किए घर ही में बैराग। इसका मतलब तो घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, उनका खंडन नहीं है। ये साखी का भाव इतना ही है, कहीं भी चले गए और मन में राग बना हुआ है, वासना बनी हुई है, तो अब बाहर हम दिखावा कर रहे हैं साधना का, तो ये दिखावा हमें हमारे पतन की ओर ले जाएगा। जहां पर हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, निष्काम रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, किसी ने कुछ कर दिया धन्यवाद दो, नहीं किया धन्यवाद दो, करे तो धन्यवाद, न करे तो धन्यवाद, बस हमारा मन प्रसन्न, हमारा मन शांत, हम यही तो चाहते हैं, हम शांति से जिए। तो अपने आप को बाहर से समेटना, इंद्रियों की आदतों के पीछे, मन की घुड़दौड़ के पीछे न दौड़ना, उन्हें संयमित कर लेना, उनसे काम लेना, लेकिन गलत काम न लेना, जिससे तृष्णा बढ़े, वासना बढ़े, चंचलता बढ़े। संतुलित, हर किसी का संतुलित उपयोग करना, संतुलन साधना है। आप कहते हैं ना, जब कोई चीज तौलते हैं तराजू में, एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ अन्न रखते हैं या सामान रखते हैं, और जब एक पलड़ा झुका है तो कहते हैं अभी तराजू सधी नहीं है, और जब दोनों पलड़ा बराबर, बीच का कांटा एकदम बीच में, तो कहते हैं अब तराजू सध गई। तो अपने को संतुलित रखना हर समय, मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, जय में, पराजय में संतुलित रखना। और हर समय जो संतुलित है, जिन्होंने मन के विकारों को मार दिया, मन के विकारों को शांत कर लिया, बाहरी परिस्थितियों में जो अनुकूलता प्रतिकूलता में शांत, वो साधक, उसका जीवन कृतार्थ। वो साधक ही नहीं, वो सिद्ध हो गया। और फिर वो ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं, भगवान हो गया। नाना साहब का वो दोहा याद आता है, सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरति भगवान। सब समय संतुलित, भगवत रूप हो गया, ये साधना का परिणाम। तो साधन के पीछे न दौड़े, साधना का ख्याल रखें। शरीर है, भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसके लिए मेहनत करें, उसका खंडन नहीं है, लेकिन भौतिक आवश्यकताओं के पीछे इस अनमोल जीवन को बर्बाद न करें, इसे साधना में लगाएं। इस साधना के लिए शरीर मिला है, जीवन मिला है, और साधना से ही इसकी सफलता होगी।